Here in the fourth part, it says on adding dilute sulfuric acid to a test tube containing a metal X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. Which of the following correctly represent metal X? अब हमें ये सोचना है कि मेटल एक्स कौन सा होगा जो सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड होगा ताकि हमें क्या मिल सके, कलरलेस गैस मिल सके, वो तो हाइड्रोजन गैस है, हमें मेटल का चेक करना पड़ेगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देगा हमें, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट हमारा क्या हो गया, एक तरीके से रिएक्शन हो गया ना कंप्लीट। तो ए तो बिल्कुल सही है, बी भी चेक कर लेते हैं। अब H2SO4 सल्फेट के साथ तो रिएक्ट, सल्फर के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं। दूसरी बात आती है आपकी कॉपर, कॉपर को अगर हम H2SO4 में डालेंगे तो इट वोंट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से क्या है, कॉपर कम रिएक्टिव है। सिल्वर, सिल्वर भी नहीं रिप्लेस कर पाएगा H2SO4 को, तो नो रिएक्शन। सो ओनली रिएक्शन वी कैन हैव इज विद मेटल सोडियम। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ वन।